सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ आने वाली बड़ी मूवीज की ऑलरेडी रिलीजिंग अपडेट के बारे में। कौन कौन सी मूवीज आपको आने वाले दिनों पे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है साउथ इंडियन मूवी कैप्टन मिलर के बारे में, जिसमें आपको मेन लीड में धनुष देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी इसी साल 12 मार्च को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, और इस मूवी को पहले ही प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडियन लैंग्वेज के साथ रिलीज कर दिया गया था। अगर हम बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो ये है 6.7 आउट ऑफ 10। अब काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी रिलीजिंग का वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब प्राइम वीडियोस ने भी अनाउंस कर दिया है कि आपको इसका हिंदी डब्ड वर्जन देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियोस के ऊपर ही 8 मार्च से, यानी कि आपको आने वाले 2-4 दिनों में ये मूवी Amazon प्राइम वीडियोस के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास एक पंजाबी मूवी से रिलेटेड, जिसका नाम है कैरी ऑन जट्टा 3। ये मूवी 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, और इस मूवी ने पहली बार पंजाबी इंडस्ट्री में 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। इस मूवी को पहले ही पंजाबी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियोस के ऊपर रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अब इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके हिंदी डब्ड रिलीजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसके रिलीजिंग डेट के बारे में तो ये मूवी आपको इसी मंथ 15 मार्च को देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ। तो जो लोग पंजाबी लैंग्वेज नहीं जानते या जिनको समझ नहीं आती, तो ये मूवी आप अब हिंदी के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे एक साउथ इंडियन मूवी की अपडेट, जिसका नाम है अब्राहम ओजलर। ये मूवी इसी साल 11 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, और इस मूवी को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसको आप एक बार तो जरूर देख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी रिलीजिंग डेट निकल के आ चुकी है। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इसी महीने 20 मार्च को सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही एंजॉय कर सकते हो। हिंदी रिलीजिंग इसका होगा या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये मूवी आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज में 20 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर इसका हिंदी रिलीजिंग हुआ तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है साउथ इंडियन मूवी हनुमान की OTT रिलीजिंग अपडेट, जिसको थिएटर्स में रिलीज हुए अब 2 महीने होने लगे हैं। 12 जनवरी को ये मूवी इसी साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ऑडियंस को काफी ज्यादा ये मूवी पसंद आई है। 300 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया इस मूवी ने। IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। और फिलहाल के लिए इसकी OTT रिलीजिंग अपडेट हमारे पास निकल के आ रही है कि ये मूवी आपको G5 के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में तो ये मूवी आपको इसी महीने 8 मार्च को देखने को मिलने वाली है हिंदी के साथ साथ साउथ इंडियन लैंग्वेज में G5 के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बॉलीवुड मूवी मैरी क्रिसमस की OTT रिलीजिंग अपडेट, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो कि इसी साल 12 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई है। अगर हम बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो यह है 7.7 आउट ऑफ 10। रिव्यूज काफी बढ़िया है इस मूवी के, और इस मूवी में आपको मेन लीड में विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इसकी भी OTT रिलीजिंग अपडेट हमारे पास निकल के आ चुकी है। मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसके रिलीजिंग डेट के बारे में तो ये मूवी भी आपको 8 मार्च को इसी महीने देखने को मिलने वाली है। नेटफ्लिक्स शायद इस मूवी को एक दिन पहले ही अनाउंस करे या फिर विदाउट अनाउंस करे ही सरप्राइज रिलीज कर देगा, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इसी चैनल के साथ जुड़े रहे। तो यही थी कुछ आने वाली बड़ी मूवीज की अपकमिंग OTT रिलीजिंग अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक न्यू OTT अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।